तो हमारा हजार्ड लाइट सिस्टम यहाँ पे तैयार हो चुका है, इसको हम ऑन करके एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये नॉर्मल इंडिकेटर काम कर रहा है हमारा, ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है, फिर ये राइट साइड का इंडिकेटर काम कर रहा है, इसे बंद कर देंगे। सिंगल स्विच से हमारा, देखिए ये एक अलग से स्विच हमने लगाया हुआ, ये स्विच हम जैसे देते हैं तो ये हमारा हजार्ड लाइट सिस्टम काम कर रहा है इसमें। अब ऑलमोस्ट हर टू व्हीलर कंपनी अपने फ्लैगशिप मॉडल्स में हजार्ड लाइट स्विच का ऑप्शन देती है, बट ऐसे बहुत से टू व्हीलर्स हैं जो या तो पुराने हैं या फिर नए होते हुए भी उनमें कंपनी के द्वारा हजार्ड लाइट्स का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए फैल्कॉन विंग्स की टीम ने आपके लिए एक यूनिवर्सल हजार्ड लाइट सिस्टम बनाया है जिसे आप किसी भी टू व्हीलर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फैल्कॉन विंग्स पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहेंगी। हजार्ड लाइट स्विच इंस्टॉल करने के लिए आपको एक स्विच लेना है और उसे आप हैंडल पर कहीं पर भी माउंट कर सकते हैं अपनी रीच के हिसाब से, और उसके जो वायर्स होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वायर जो स्विच में रहते हैं, उस वायर को, मतलब दो वायर आते हैं, उस दोनों वायर को आपको इंजन के कंपार्टमेंट से होते हुए मतलब इंडिकेटर के कनेक्शन तक लाना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो वायर कहीं भी ऐसे इंजन के कंपार्टमेंट में टच ना हो, उसको अच्छे से टाई रोप वगैरह से आप बांध सकते हैं ताकि वो मतलब हीट नहीं हो वायर। कुछ टू व्हीलर में आपको हेडलैम्प के कंपार्टमेंट में ही इंडिकेटर के कनेक्शंस मिल जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने जो स्विच लगाया है उसमें से दो में से एक वायर को हमको एक इंडिकेटर रिले जो होता है, यानी इंडिकेटर का जो फ्लशर होता है, जो कि आपको तीन पॉइंट वाला लेना है इस तरह का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक ब्लैक वाली जो स्विच की वायर है वो हम लोग लोड पे लगा रहे हैं, इस पे आपको तीन पॉइंट मिलता है, एक है लोड का, एक वाइट वाली वायर जहाँ लगी हुई अर्थिंग का, और एक पॉजिटिव जो बैटरी का कनेक्शन होता है जो आपके इंडिकेटर के जो कपलर रहता है उसमें दिया रहता है, तो उसको आपको फिट कर देना है। उसमें ब्लैक वाली वायर जो स्विच की है वो लोड पर रहेगी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका इंडिकेटर रिले वाला जो काम है वो पूरा हो गया, अब हमको उसके जो स्विच की जो दूसरी वायर है उसको इंडिकेटर के कनेक्शन तक आप नाप लीजिएगा कितना दूर में मतलब पहुँचता है, वहाँ तक ला करके उसे छोड़ देना है। दूसरी वाली वायर को, पहली वायर आपने रिले में कनेक्ट की, दूसरी वाली वायर को वहाँ तक ला के छोड़ देना है। अब उसके बाद जो मेन फंक्शन है वो डायोड का फंक्शन है, डायोड इसमें आपको दो लगेगा, मतलब एक ही नंबर का दो डायोड, जैसे कि इसमें हम लोगों ने इस्तेमाल किया है IN4007S, इस नंबर का दो डायोड हमने लिया है, एक लेफ्ट साइड के इंडिकेटर के लिए और एक राइट साइड के इंडिकेटर के लिए। अब इस डायोड का क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डायोड में भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दो कनेक्शन रहता है, तो जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उस पर हल्की सी ग्रे कलर की पट्टी होती है जो पॉजिटिव को दर्शाता है, और दूसरे साइड में ब्लैक कलर का डायोड होता है, ठीक है। तो इसको आप गौर से अगर देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, वो देख करके आप मार्क कर लीजिएगा अपने मतलब सुविधा के अनुसार कि किस साइड आपका पॉजिटिव है, क्योंकि उसको आपको इंडिकेटर के पॉजिटिव से जोड़ना है। इस पर पॉजिटिव की पहचान करने के लिए हम लोगों ने इस पर टेप से मार्क कर दिया है, येलो कलर का हमने टेप मार्क कर दिया है। ये देखिए, इस पर एक ग्रे छोटी सी पट्टी आप देख रहे होंगे जो ऊपर की तरफ है, वो ग्रे पट्टी पॉजिटिव को दर्शाती है, इसलिए हम लोगों ने येलो टेप इधर पॉजिटिव की तरफ मार्क कर दिया है। इसी तरह दूसरा भी एक कनेक्शन सेम नंबर के डायोड का कर लेंगे। हमारा दोनों डायोड वाला जो वायर है वो तैयार है, इस पर हमने पॉजिटिव मार्क कर लिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसे कोई भी हीट सिंक से मतलब सील कर दीजिएगा, या फिर आपका जो हीट ब्लैंकेट आता है आयरन वगैरह के वायर में यूज़ होता है वो आप इसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये हीट होता है। और इसका हीट कम करने का कोई उपाय मैं निकालूंगा उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में, वो भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा कि इसके हीट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हीट होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा देर तक इसको हम लोग कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं। अब हमें पहले वाले डायोड के पॉजिटिव कनेक्शन को इंडिकेटर की लेफ्ट या राइट वाली कोई भी मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड वाली इंडिकेटर के पॉजिटिव कनेक्शन से जोड़ना है। पॉजिटिव कनेक्शन की जो वायर होती है वो अलग होती है, ग्रीन कलर की जो वायर है इंडिकेटर में वो नेगेटिव की वायर होती है, और एक साइड के इंडिकेटर में आपको कोई अलग कलर की वायर, जैसे इसमें ऑरेंज है वो पॉजिटिव की वायर है, उसमें आपको जो डायोड वाला है वो पॉजिटिव कनेक्शन जोड़ देना है, ठीक है। अब उसी तरह दूसरे साइड के आप देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर की वायर है, वो दूसरे साइड के इंडिकेटर की पॉजिटिव वायर है, उससे आपको दूसरे वाले डायोड के पॉजिटिव सिरे को जोड़ देना है। ये देखिए, हमने पहला डायोड ये जोड़ लिया है, डायोड का पॉजिटिव के लिए हमने येलो मार्क किया था, तो वो पॉजिटिव वाला पॉइंट है जो इंडिकेटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट से हमने उसके जो कपलर है उसमें पिन में फंसा करके जोड़ दिया है, और उसको वापस आपको उसी तरह
जो उसका कपलर है उसमें इंसर्ट कर देना है, तो वो कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक उसी तरह दूसरे साइड का जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, जिसमें कि पॉजिटिव वायर जो है ब्लू कलर से है, उसमें हम डायोड के पॉजिटिव वाले कनेक्शन को दूसरे वाले डायोड के पॉजिटिव कनेक्शन को जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद आप ये मार्क के लिए जो हमने टेप रखा था वो हम हटा सकते हैं, क्योंकि इसको अब वापस कपलर में इंसर्ट कर देना है। इंडिकेटर वायर के जिस कपलर से हमने वायर को निकाला था वापस हमें उसी तरह उसमें इंसर्ट कर देना है उसे। ये एक साइड का हो गया, और इसी तरह हमको दूसरे वाले जो इंडिकेटर की वायर है उसको भी वापस कपलर में इंसर्ट कर देना है। तो आप देखें कि दोनों जो डायोड का जो दोनों पॉजिटिव कनेक्शन था इंडिकेटर के दोनों पॉजिटिव कनेक्शन से जुड़ चुका है। और अब आपको क्या करना है कि जो डायोड का जो दोनों नेगेटिव सिरा बचा वो दोनों सिरे को आपको जोड़ लेना है आपस में, दोनों को कनेक्ट आपस में कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद आपकी जो स्विच वाली दूसरी वायर थी, जो स्विच आपने इंस्टॉल किया था उसका पहला वायर आपने रिले में लगाया था इंडिकेटर रिले में, और दूसरी वायर जो बची रह गई थी उस वाली वायर को इन दोनों डायोड के साथ जोड़ देना है। बस यही कनेक्शन है, और देखिए ये हमारा हज़र्ड लाइट काम कर रहा है और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो हीट हो रहा है इसके लिए जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं जैसे सॉल्व कर लूँगा उसकी भी वीडियो जल्द ही मतलब आपको देखने को मिल जाएगी कि इसके जगह पे हम लोगों ने क्या उपाय किया है कि इसका हीट जो है वो कम हो जाए, ताकि आप इसे देर तक यानी कंटिन्यूसली यूज़ कर सकें। तो ये कनेक्शन बस इसी तरह कराएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हीट को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना करके डाल दूंगा। लेकिन इसमें भी आप काफ़ी देर तक मतलब यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट तक तो यूज़ किया ही जा सकता है, उससे ज़्यादा मतलब हज़र्ड कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि हज़र्ड लाइट भी आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, उसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके ट्रैफिक के कुछ लॉज हैं। अगर आप अननेसेसरी हज़र्ड लाइट को यूज़ कीजिएगा तो उसमें भी फ़ाइन वगैरह होता है। इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अभी बना रहा हूँ जो कम्प्लीट नहीं हुई है, वो जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगी तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस यही हमारा हज़र्ड लाइट का कनेक्शन है, इसे हम टेप वगैरह करके अच्छे से प्रोटेक्ट कर देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी इक्विपमेंट जो इस कनेक्शन को यूज़ करने में लगा है तो वो अगर आप बाई करना रहेगा अगर आपको, तो अगर अमेज़न पे मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं अगर आपके आसपास में कहीं पर अवेलेबल है तो। लेकिन ख़ास ध्यान रखिएगा जो फ्लैशर का मैं नंबर दे रहा हूँ वो फ्लैशर यूज़ होगा, और जो डायोड का नंबर दे रहा हूँ वो डायोड आप यूज़ कर सकते हैं। डायोड आप ज़्यादा पावर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर मिल जाए तो, वो ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। दूसरा एक और डायोड आता है जो IN5408 नंबर का रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वो भी हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है, मैं उस पर जो वीडियो है वो मैं आपको अलग से डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। फिर भी अभी जो हीट का जो इशू है वो जल्दी मैं रिजॉल्व करके आपको नेक्स्ट वाली वीडियो दूंगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और इस तरह वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हेलमेट पहनिए और ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए। थैंक यू।